हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज मैं बना रहा हूँ द बॉयज़ वीडियो का जो ट्रेलर आया था, द पूरी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, उसका जो ट्रेलर आया है उस पे मैंने आज थोड़े स्लो मोशन पे देख के कुछ सीन्स निकाले, क्योंकि तो आपको पता है कि ये हिंदी फिल्मों के ट्रेलर की तरह नहीं होता। तो उसी चीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सीरीज़ आने के पहले सीरीज़ के बारे में थोड़ा जानने के लिए, मैंने ये ट्रेलर का वर्णन जो है, जो 10 to 12 में एक इम्पॉर्टेंट चीजें बताऊंगा इस चैनल पे, तो चलिए शुरू करेंगे। बट पहले, अगर आपने बॉयज वन नहीं देखा है तो थोड़ा सा बता दूं, बॉयज वन देख लीजिएगा जाके। एक तरह से जो सुपरमैन, जो भी आयरन मैन, जो एवेंजर्स, जस्टिस लीग, ये सब बनाए गए हैं, वो रियल वर्ल्ड में कैसे होते हैं। और एक तरह से जैसे जस्टिस लीग का आप लोगों ने गेम देखा होगा इनजस्टिस करके, तो उसमें अगर सुपर हीरोज जो है वो रोग चले जाएं या विपरीत एक विलन बन जाए तो कैसे होता है, उस हिसाब से कुछ बनाया गया है। और थोड़े रियलिस्टिक वे में बनाया गया है, जो मारपीट है वो थोड़ी अच्छे से दिखाई गई है। तो ये बिना कोई देरी के थोड़ा सा ट्रेलर आगे बढ़ाता हूँ, आपको पूरी ट्रेलर के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, यहाँ तक का सीन आप समझ सकते हैं कि बुचर जो है, जो मेन कैरेक्टर है, मतलब अगर हीरो के साइड में बोलेंगे, एंटी विलन, थोड़ा सा वेनम टाइप का कैरेक्टर है वो। और उसने जो लास्ट सीन था जहाँ पे होमलैंडर ने उसे लेके गया, वो अपने जो वॉट की जो चेयरपर्सन थी उसको मारने के बाद, और जो इतने दिन से बुचर अपनी वाइफ के मौत का बदला लेने के लिए चल रहा था, उस बदले को पूरी पूरी तरह से उसका एजेंडा को बिखेर के रख दिया कि तुम्हारी वाइफ जिंदा है। तो उस अब बूचर ने वापस वो आया, और उसको पता नहीं होमलैंडर ने, सुपरमैन बार बार बोल रहा हूँ मैं, होमलैंडर ने उसे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पहली बात तो, बट बात ये होती है कि भाई वो होमलैंडर जो है बहुत पावरफुल है, तो उसने सोचा होगा कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो जा दान दिया करके छोड़ दिया। और बूचर वापस आया, और उसके बाद कि उसको प्लेस नहीं मालूम, बंद करके लाया था आंख, आंख बंद करके ले गया होगा, तो उसे प्लेस नहीं मालूम। तो वो यही बोल रहा है कि वॉट फाउंडेशन जो होता है, जो वी जो जो कंपनी है जो ये सब सुपरमैन बनाती है, जो एक सीरम से, उन्होंने उसे कहीं ना कहीं कैप्चर रखा हुआ है। उसके साथ साथ वो ये भी बोलता है कि अब वो थोड़े बहुत संकट में आ गए हैं, तो मैं आगे और बताता हूँ क्या संकट है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे ही वो आता है वैसे ही अटैक होता है, ठीक है। वो अटैक कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो अभी इस ट्रेलर पे उतना खास नहीं बताया गया है, पर जहां तक मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग फ्रंट जो कि नया कैरेक्टर है अभी दिखाएगा, ये वही सीन कंटिन्यू है। अब देखिए यहाँ पे स्टार लाइट है, इसका मतलब ये है कि स्टार लाइट ने जो पिछला सीजन पे जो हेल्प किया था क्यूई, बुचर और बाकी सबका, वो अभी तक होमलैंडर को नहीं पता है, और उन लोग उसको अभी भी एज अ सेवन यूज कर रहे हैं और जान रहे हैं और सम्मिलित रखे हुए हैं। तो स्टार लाइट एक तरह से स्पाई का काम करेगी ये दोनों के बीच में, वॉट और बुचर के गैंग के बीच में। और ये आपको अगर कंटिन्यूएशन में सीन दिखाया होगा तो जो जो आप देखेंगे क्यूई के ऊपर से एक सुपर हीरो गुजरते हुए सीन है, उसके बाद होमलैंडर दिखा गया, तो आपको लग रहा है कि शायद ये होमलैंडर ही है। लेकिन अगर आप ध्यान से, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दिनों बाद, ये होमलैंडर नहीं है, ये है स्टॉर्म फ्रंट। और यहाँ पे देखो, वो साथ ही साथ उसने एक आर्मी के मैन का यहीं पे खात्मा कर दिया है, तो ये सीन भी बहुत इम्पैक्टफुल सीन रहेगा। उसमें होमलैंडर अपना डोमिनेंस जताना चाह रहा है, वही सीन दिखाया गया है। देखिए कितने इम्पोर्टेंटली आपको वो सीन को 1 सेकंड का दिखाया गया, पर अगर आप करेंगे देखेंगे और ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये आर्मी का यूनिफॉर्म है, वहां से पूरी तरह से किया गया। उसके बाद फिर से वॉट फाउंडेशन ने इन दोनों को यहाँ पे सबको क्या बोलते हैं, एक तरह से क्रिमिनल स्थापित कर दिया है। और ये डीप है, आपको पता होगा, जो मछलियों से बात बात करता है, जो पानी में तैर सकता है, एक तरह से सस्ता एक्वामैन, और ये हमारे सस्ते फ्लैश हैं, जिनको हार्ट अटैक आ गया था, समहाउ दे हैव रिटेन ऑल द मेन कैरेक्टर्स, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी पे आगे बढ़ते हैं, देखिए दोनों का अभी चेहरा दिखाया गया है, और ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस सीन में दो चीजें हैं, एक और सीन है जो जिस पे इम्पोर्टेंट है। ये सीन में देखिए आप, सब लोग इनको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वॉट इंटरनेशनल इनको इंस्पेक्ट कर रहा है, ये ब्लैक नोयर का है,
और यहां पे सबसे मेन चीज आया गया, मैं इसको थोड़ा रिप्ले करता हूँ। तो देखिए सूप टेररिस्ट बोला गया, तो इन लोग क्या सोचेंगे इसमें, यहाँ पे तीन फ्रंट में लड़ाइयाँ होने वाली है, एक गवर्नमेंट और वॉट इंटरनेशनल के बीच में, कि सुपर हीरोज को आर्मी में डाला जाए, उसके कारण होमलैंडर ने क्या किया था, एक सूप टेररिस्ट मतलब कि एक टेररिस्ट को सुपर हीरो बना दिया था, जिसके चक्कर में इनको ऐसा लगा कि नहीं अब टेररिस्ट सुपर हीरो बन गया तो हमको सुपर हीरो आर्मी की जरूरत है। तो ये फ्रंट चल रहा है। अब ये मेरे को लगता है कि थोड़े बहुत जाके जो टेररिस्ट नहीं है, जो बच्चे बच्चे लोग हैं जिनको पास पावर है, ये जो दो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ह्यूई है और ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका देख सकते हैं, ये अपनी स्टार लाइट है। ये जो दो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरी तरह से अगर आप रोड का वो देखें तो एक तरह से यहाँ पे रेस हुई है, गाड़ी ड्रिफ्ट की हुई है। और ये देखिए वो टेररिस्ट को शायद मनाने आए थे कि हमारे साथ हो जा, लेकिन ये हुआ नहीं। ये देखिए पूरी कैरेक्टर से दिख रही है, पहले प्यार से बनाएंगे, फिर साम दाम धन भेद सब करा के, तो उसी की बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उन लोग साम दाम दंड भेद बना के पूरा बचाने आए थे, एक तरह से अपने साथ मिलाने आए थे, पर ये हुआ नहीं। और मुझे ये लगता है कि यहीं पे स्टॉर्म फ्रंट भी आएगी एक तरह से कैप्चर करने के लिए, पर ध्यान से देखते हैं आगे स्टॉर्म फ्रंट कौन है। तो ये है स्टॉर्म फ्रंट, ये है कौन, ये एक्चुअली में एक नई मेंबर है जो ट्रांसलूसेंट के प्लेस पे आएंगी, और आप देख सकते हैं कितना दिमाग खराब होगा होमलैंडर का, बिकॉज समहाउ सम पीपल हु सम समवन हु कैन फ्लाई एंड आई विल टेल यू मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टॉर्म फ्रंट कैन ऑल्सो बीट पर्सन, और यहाँ पे फिर से स्टॉर्म फ्रंट है उसी एरिया पे। देखिए ये वही एरिया है जहाँ पे अभी वो वाले म्यूटेंट ने एक तरह से हमला किया था। तो ये वही पूरा सीन है, वॉट इंटरनेशनल से टेक डाउन करने वाला, अपनी बीवी को वापस लाने वाला, इसमें जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं जो फीमेल थी उनसे रिप्लेस करके, हमारे जो ब्रेकिंग बैड के में जो विलन थे जो बहुत पाब्लो जो फेमस हुए थे उसके ऊपर है। सी सी हियर दैट्स द सेम। अभी यहाँ पे आपको ये पीछे का जो डॉम दिख रहा है इस पे गौर करिएगा, यहाँ पे स्टार लाइट और ह्यूई है, और यहाँ पे स्टार लाइट जो है किसी के ऊपर अपना पावर्स फेंक रही है। और यहाँ पे थोड़ा प्ले करता हूँ मैं, सी दिस लुक एट दिस रिएक्शन। समहाउ स्टॉर्म फ्रंट जो है एक तरह से लीडर की तरह उभर के आ रही है, और ये होमलैंडर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मतलब कि एक चौथा फ्रंट स्टार्ट होगा जिसपे स्ट्रॉन्ग फ्रंट और होमलैंडर के बीच पे एक तरह से लीडरशिप बैटल होगी। तो इस पर्टिकुलर सीजन पे काफी कुछ है जो आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई दिस सीरीज इज अ मस्ट वॉच, बेटर देन स्ट्रेंजर थिंग्स। थोड़े आगे और बढ़ेंगे तो मैं आपको कमजोरी बता दूंगा क्यों होमलैंडर चुपचाप बैठा हुआ है। ये जो होमलैंडर का एंट्री था वो स्टॉर्म फ्रंट के घर पे नहीं था, पहले बता दूं, ये एंट्री था उसके बेटे के घर पे, मैं दिखाऊंगा ये सीन आगे में। देखो ये एंट्री जो पहले था वो उसके बेटे के घर में था, फिर स्टॉर्म फ्रंट ले गई। ये तरह से वुमेन पावर दिखाया गया है, इसमें जो मे है वो आगे हैं, बट ये ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। ये ऑब्वियसली स्टॉर्म फ्रंट विल बी द फ्रंट हीरोइन, सो गर्ल्स गेट डो समथिंग डन, आई थिंक गर्ल्स गेट इट डन इज लाइक दैट। सो सी समहाउ स्टॉर्म फ्रंट जैसा बताया उन्होंने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है, कि आपको पता है कि ये पूरा मार्केटिंग गिमिक था, तो मार्केटिंग टेक्निक में कैप्चर कर लिया था, और होमलैंडर ऐसा लीडर नहीं शो हो रहा था, तो होमलैंडर उसी गुस्से में आया। लेकिन ये पहला इंटरेक्शन है जब वो बोलता है हु आर यू, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं,
सी हियर इफ यू सी, आई एम नॉट सेइंग उनका जो क्लीवेज एरिया है इसमें प्लीज कुछ गलत तरीके से मत देखिएगा, इस एरिया में भी कुछ नहीं है। तो दिस इज अ होल लेवल ऑफ डिफरेंट इंटरेक्शन। आई थिंक पहला इंटरेक्शन जब उसने होम लेडर के अलावा जाके लीडरशिप स्पीच दी होगी, जो पर्टिकुलर जो वो अभी पीछे में सी था जिसमें सारे जनता रायट्स कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग फ्रंट हेल्प अस, ये सब उस समय के बाद होमलैंडर आएगा इससे बात करने के लिए। ये देखो ये जो एरिया था जो मैंने आपको बताया कि सब घूम घूम के जा रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं, वो होमलैंडर नहीं, वो स्ट्रॉन्ग फ्रंट थी। सी समहाउ स्ट्रॉन्ग फ्रंट इज कंसोलिंग और किसी तरह से अपने जाल में फंसा रही है होमलैंडर को, ताकि वो उसके साथ आर्मी यानी कि जो सुपरमैन की आर्मी है, सुपर ह्यूमंस की आर्मी है, वो बना ले, एंड देन टू टू आई मतलब एक सुप टेररिस्ट एंड एक सुपरमैन की आर्मी समथाउ लाइक दिस, और इट कैन बी अ वॉट इंटरनेशनल समय कि जो हमारे जो अमेरिका के जो नॉर्मल आर्मी होगी उससे इनको लड़ने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी लेस पीपल एंड उन लोग जो है वो वी जो सीरम होता है उस पर जीते थे। और ये जो पर्टिकुलर सीन है, ये ब्लैक नॉयर का जो पहला ट्रेलर दिखाया था उसका सीन है, जिसमें टेररिस्ट है वो अपने आप को पूरा एक्सप्लोड कर लेता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो तो उससे घायल नहीं होगा पर आसपास वाले सब घायल हो जाएंगे, काइंड ऑफ लाइक अ एंग्री बर्ड में जो ब्लैक वाला बर्ड होता है उस टाइप का, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको पता है ब्लैक नॉयर का मास्क जलता है, वो एक तरह से टू फेस बन जाता है ब्लैक में जो बैटमैन है उसका। नाउ सी सी हियर द क्लीवेज इज ऑलरेडी, ही हैज ऑलरेडी ट्राइड टू बर्न हर, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए समहाउ ही वॉन्टेड टू किल हर बट हुआ नहीं, एंड एक तरह से ये पॉजिटिव थिंग लगी उसको, बिकॉज आपको पता है कि होमलैंडर ऑलवेज लुक्स फॉर अ गर्ल, वो कि उसको वो प्यार नहीं मिला है, ही वॉज बॉर्न एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी, एज अ लैब बेबी, एंड दैट्स वाई ही किल्ड एवरी वन। उसके में वो मैं क्या बोलते हैं पेरेंटल इंस्टिंक्ट नहीं है उसके में, वो एकदम रोग हो चुका है, टोटली स्कैरी है वो, बट हाँ उसको लगा कि नहीं समहाउ देयर इज अ मैच, एंड लुक हाउ ही इज वेरी हैप्पी। एंड सी सी द डोम हियर, सी द डोम हियर, ओके दिस इज द डोम जहाँ पे जिसके उस तरफ स्टार लाइट और क्यूई है, उसके इस तरफ स्टॉर्म फ्रंट है, तो ये ऑब्वियसली एक बड़ा सीन होने वाला है। एंड सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक और सुपरमैन है जो शायद किसी आदमी को फेंका ही गया, पक्का स्टॉर्म फ्रंट को ही फेंका होगा, एंड सी हाउ आफ्टर दैट पर्टिकुलर फाइट, सी आफ्टर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट हाउ कम, जैसे आप देखते हैं कि ये स्टॉर्म फ्रंट आगे आ चुकी है और जो हमारा होमलैंडर है जो कि पूरा लीडर था वो पीछे खड़ा हुआ है, समथिंग हैपेंड बिटवीन टू ऑफ देम राइट। एंड दिस इज हाउ दे वेंट टू असाइलम जहां पे सुपरमैन को देखने के लिए, दैट पर्टिकुलर सी जिसके पीछे में देखिए यहाँ पे पूरी गोलियों के निशान है, बट उसने पूरा गोलियां लिया और सामने वाले को जस्ट हाथ से ही एज अ जीन ग्रे वो कर दिया, मतलब मार दिया एक्चुअली। सो हियर दे आर गोइंग फॉर अ फाइट, सो इफ यू सी अ स्मॉल बिट आफ्टर दिस, ओके आफ्टर दिस सी हियर समहाउ कुछ तो चेंज होगा ए ट्रेन में सीरीज के बिटवीन पे, जब वो आके उसको क्यों पता वहां पे स्टार लाइट है, यहां से क्या यहाँ पे स्टार लाइट है, मतलब कि ही नोज स्टार लाइट इज विथ क्यूई क्योंकि पहले भी उसको मार चुका है। तो देर इज अ ट्विस्ट हियर ऑल्सो कि ए ट्रेन भी थोड़ा चेंज होगा बिकॉज उसके सब कुछ छोड़ चुका है, सब कुछ वो हार चुका है, तो देर इज विल बी अ ट्विस्ट इन द टेल। सो दिस इज हाउ दे विल बी प्लानिंग कि वी विल किल देम ऑल एंड ऑल दो सीन, ये वही सीन है पहला सीन दिखाया उसी सीन का कंटिन्यूएशन है। और ये सीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए दो सीन है, यहाँ पे एक ये सीन है, यहाँ पे ब्लैक नॉयर और बूचर की लड़ाई हो रही है, दिस इज ऑल्सो अ गुड सीन, यहाँ पे भी काफी ज्यादा और घर पे ही हो रहा है तो मेरे ख्याल से लास्ट लास्ट में होगा।
उसके बाद ये देखिए, जो होमलैंडर का बच्चा है जो कि बूचर की वाइफ के साथ है, होमलैंडर इज समहाउ ट्राइंग टू लाइक मेक हिम लर्न हाउ टू फ्लाई। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को ढकेलती है, उस हिसाब से वो अपने बच्चे को ढकेल रहा है कि उससे वो उड़ना सीखेगा। एंड आई थिंक ही इज गोना किल दैट सन। और यहाँ पे फिर लड़ाई होता है स्टॉर्म फ्रंट और उसका। देखिए यहाँ पे ये भी एक सुपर हीरो, मैंने आपको पता है पिछले सीजन से। और ये सीन आपको पता है कि वो जो वेल के अपने पेट में जो अपना सीधा बोट डालेगा, जिसके बाद उन लोग का जो डीप है उनका कवर करेगा। ये देखिए दिस इज एक्चुअली अ डेडली सीन। सी दिस इज द आई थिंक लास्ट पार्ट होगा जहां पे बोला कि ठीक है तू अपना शो कर, जाके जस्ट डोंट केयर। सो या गाइस दिस इज इट। आई थिंक यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा पहला अटेम्प्ट है कुछ रिव्यू करने का। आई नो दैट आई हैव नॉट पुट थोड़ा सा ग्राफिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आई होप कि मैंने थोड़ा आपको वीडियो के बारे में, ट्रेलर के बारे में सब कुछ बता दिया हो अच्छे से। आपको समझ में आ गया हो कि ट्रेलर में कैसे सब चीज़ मोड़ मार के पेश की गई है, जबकि यहाँ पे स्टोरी अलग अलग फ्रंट पे चल रही है। होमलैंडर पे चलेगी, आखिरी में देखिएगा होमलैंडर विल डू समथिंग विद स्टॉर्म फ्रंट। वहां पे कुछ इशू होगा, स्टार लाइट और ह्यूई में से में कोई इशू होना चाहिए, जहां पे वो उसको बचाने के लिए टोटली अपना वेंजेंस लेगी होमलैंडर के ऊपर एक तरह से। वहां पे एक रिफ्ट आएगा। आई होप बूचर अगर थर्ड सीजन नहीं आ रहा है तो ही विल गेट किल्ड, अदरवाइज ही विल बी एक पैरालाइज और समथिंग, आई डोंट नो। कुछ तो अब थर्ड सीजन आने के लिए लोग कोई ट्विस्ट लाएंगे। एंड द बूचर्स फ्रेंड, जो वो चार ग्रुप था जिसमें एक म्यूटेंट लड़की के साथ जो बंदा था, वो शायद मरेगा, बिकॉज जैसे ही स्टॉर्म फ्रंट आती है वो किसी को तो मारती है, तो आई थिंक वो मरेगा। एंड ऐसे ही बहुत कुछ है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप आई विल गिव बेटर वीडियोज फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, एंड थोड़ी एनिमेशन और लाने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।